बेणेश्वर धाम में कांग्रेसी दिग्गज राहुल की बेणेश्वर को सौगात। हाई लेवल ब्रिज का उन्होंने शिलान्यास किया। 132 करोड़ रुपए की लागत से ब्रिज बना। सीएम गहलोत ने बजट में जो घोषणा की थी वो घोषणा अब साकार होती नजर आएगी। ये चार तस्वीरों से आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से पहले वाल्मीकि मंदिर में पूजा की, शिव मंदिर में पूजा की, श्रीहरि मंदिर पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना की। इसके साथ ही साथ उन्होंने मुलाकात भी की है अच्युतानंद महाराज से। ये मुलाकात हुई है राहुल गांधी जो बेणेश्वर धाम पहुंचे, और जब वहां पर पहुंचे संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा भी मैं दोबारा आऊंगा। तो बेणेश्वर धाम के दौरे के दौरान राहुल गांधी ने वाल्मीकि मंदिर, शिव मंदिर और श्री हरि मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राहुल के साथ मौजूद रहे। राहुल गांधी ने महंत अच्युतानंद महाराज से आशीर्वाद लिया। इस दौरान कई विषयों पर चर्चा हुई। अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी ने मावजी महाराज द्वारा रचित साम सागर ग्रंथ के दर्शन किए। खुद महंत अच्युतानंद महाराज ने राहुल को चोपड़े के बारे में जानकारी दी। और ये तस्वीरें आपको हेलीपैड से सीधी दिखा रहे हैं। सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, अब राहुल गांधी रवाना होंगे, यहां से क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने सभा की है और सभा के बाद वो रवाना हो रहे हैं बेणेश्वर से उदयपुर के लिए। तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाते हैं। राहुल गांधी का जो हेलीकॉप्टर है वो अब यहाँ से टेक ऑफ करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके साथ में हैं। ये तस्वीरें हैं जो हम बेणेश्वर का जो मंदिर है, शिव मंदिर, उस ऊंचाई से आपको दिखा रहे हैं। सामने आपको पूरा डोम दिख रहा होगा जहाँ पे सभा हुई है, और उसके पास ये हेलीकॉप्टर है और ये हेलीकॉप्टर उड़ान भर चुका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो आप तक पहुँचा रहे हैं जब राहुल गांधी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। धूल का गुबार जो है वो यहाँ पे दिख रहा है हेलीकॉप्टर जैसे ही टेक ऑफ हो रहा है यहाँ से। और ये देखिए हेलीकॉप्टर जो है वो रवाना हो गया है उदयपुर के लिए। राहुल गांधी इसमें हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके साथ है। नीचे वो डोम दिखाई दे रहा है जिसमें अभी अभी सभा हुई है, और अब राहुल गांधी रवाना हो रहे हैं। ये राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर है जो कि बेणेश्वर धाम जो है उसके ऊपर से उड़ता हुआ ये नज़र आ रहा है। और हाथ हिला के एक बार फिर से राहुल गांधी जो है वो यहाँ जो हजारों जो श्रद्धालु हैं उनको हाथ हिला के जो है वो किया है। एक बार एक तस्वीर और दिखाते हैं। ये देखिए वो रेला है जो पुल पे से गुजर रहा है। ये वही रेला है जिस जो अभी राहुल गांधी की सभा देखने के लिए आया था, और अब लोग घरों के लिए लौट रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है ये खास तस्वीर है जिससे पता लग जाता है कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे राहुल गांधी को सुनने के लिए आए थे। देखिए ये बेणेश्वर धाम जो है वहाँ तक आने के लिए इस पुल को पार करना पड़ता है, और उसके पास में वो सभा स्थल है, वो डोम है जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुँचे थे। और अब वो रेला जो है वो आपको दिखाते हैं जो अब यहाँ, चूँकि आज पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है, तो जो आदिवासी अंचल में पूर्णिमा को खास माना जाता है, और बेणेश्वर धाम में दर्शन करने बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ये वो जो पूरा रेला राहुल गांधी को सुनने के बाद यहाँ बेणेश्वर धाम में जो है यहाँ पहुँचेगा। आप देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे जो बड़ी संख्या में आदिवासी इलाके के जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन और ये जो पूरे जो लोग हैं उन्होंने पहले राहुल गांधी के जो है उनके हेलीकॉप्टर को देखा है, और राहुल गांधी चूँकि रवाना हो चुके हैं तो उसके साथ ही इस स्थल तक पहुँचने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं अब आ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग इस सभा में आए थे, इस सभा में सुनने के लिए यहाँ पे आए थे, राहुल गांधी और अशोक गहलोत को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए यहाँ पे आए थे। ये तस्वीर बयां कर रहे हैं ये जो लोगों का हुजूम है वो हम देख भी पा रहे हैं कि एक रेला जो है वो जो बड़ी संख्या में तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं, और अब बेणेश्वर धाम वहां पर दर्शन करने भी पहुंचेंगे। ये तस्वीरें जो नरेश हमें दिखा रहे थे वो अब क्योंकि हेलीपैड से जो है रवाना हो चुके हैं और मंदिर की बेणेश्वर धाम की जहां पर पूजा करने जा रहे हैं। लेकिन सभा स्थल पर क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि अभी लोगों का निकलने का सिलसिला शुरू हुआ होगा और राहुल गांधी बोले हैं, तो ऐसे में क्या उन्होंने सुना, क्या समझा? श्वेता हमारे साथ सहयोगी सभा स्थल से जुड़ गई है। श्वेता, क्या तस्वीरें?
श्वेता सुन पा रही हैं आप? चलिए जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि लगातार वहां पर जैसे बताया जा रहा था कि जामर भी लगे हुए हैं, नेटवर्क की इश्यू आ रही है। हुआ राहुल गांधी यहां से रवाना हो गए, लेकिन जी जी बोले श्वेता। मेघा आप तक आवाज आ रही है? बिल्कुल मेघा, बिल्कुल। देखिए, इंतजार राहुल गांधी के आने का था, उन्हें देखने का, उन्हें सुनने का, वो इंतजार खत्म हुआ। राहुल गांधी यहां से रवाना हो गया और यहां से अब वो पूरा जितने लोग इकट्ठे हुए थे, बड़ी तादाद में जो भीड़ एकत्रित हुई थी, वो भी यहां से रवाना हो रही है। लेकिन सबसे अहम राहुल गांधी का संबोधन भी, जिसमें खास नजर आया प्रदेश में जो सरकार योजनाएं गरीबों के लिए लेकर आई है, उसका जिक्र यहां पर एक एक योजना का राहुल गांधी ने किया। इस पुल की महत्ता क्या है उसे उन्होंने बताया और साथ ही एक वादा भी यहाँ की जनता से करके गए हैं कि बेणेश्वर धाम में जब वो मेला लगेगा तो उस मेले में भी वो शामिल होंगे और इसके बाद भी वो यहाँ पर आएंगे, और क्योंकि एक अलग जुड़ाव उनका यहाँ से रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी संबोधित करते हुए कई चीजें यहाँ पर बताई कि कैसे कांग्रेस के लिए महत्व बेणेश्वर धाम रहता है, आदिवासी जनता रखती है, और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि हम आगे भी कोशिश ये करेंगे कि विकास होगा। भले अब तक उतना आशीर्वाद नहीं मिला, लेकिन 2023 में एक बार फिर से हमें यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। लेकिन बेहद अहम ये सभा भी आज की रही है। हमारे साथ सहयोगी योगेश शर्मा भी लगातार मौजूद हैं। योगेश, जिस तरह से इस पूरी सभा को देखा जाए, राहुल गांधी का यहाँ पर आना, मंदिर में उन्होंने दर्शन किए और एक बार फिर वादा कर गए हैं कि जब मेला भरेगा तो उनके साथ, यहाँ की जनता के साथ वो दर्शन करेंगे। देखिए, बड़ा संदेश है यहाँ पर रहा श्वेता, पूरा आदिवासी अंचल को संदेश देने का प्रयास राहुल गांधी ने किया। और सबसे बड़ी बात है कि गहलोत सरकार की जमकर तारीफ उन्होंने की, ये बताया कि देश में अगर कोई शासन कर रही है राज्य की सरकार जो गरीब हितेशी है, जो किसी प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रही है, लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क के लिए काम कर रही है, खास तौर से चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का, अशोक गहलोत सरकार की जो लोकप्रिय योजना, उसका जिक्र किया, इंग्लिश मीडियम स्कूल जो खोले जा रहे हैं उसका जिक्र किया। तो एक तरह से कहा जाए श्वेता कि आदिवासी अंचल का ये पूरा का पूरा जो परिदृश्य है, इसको राहुल गांधी ने संक्षिप्त में बताया कि कैसे वो आदिवासी तबके से, इस वर्ग के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो बिल लेकर आई जंगल की रक्षा का, यहाँ के आदिवासियों की मांगे थी उनकी रक्षा का, केवल कांग्रेस सरकार ये बिल लेकर आई। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं, ये वो पूरा कहा जा सकता है इस सम्मेलन के जरिए जड़ों में जाने की कोशिश कांग्रेस ने की, वो जड़ें जो कहीं विलुप्त होती जा रही हैं, उन जड़ों को जमाने की कोशिश की गई। और अशोक गहलोत के संबोधन में आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ आती राजीव गांधी की याद आती है, मैं राजीव गांधी को याद आती कि जब ये खुद पीसी चीफ थे, गहलोत साहब उस वक्त पीसी चीफ थे और जब राजीव गांधी के साथ वो यहाँ आए थे, और उस वक्त तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, गांधी परिवार का बेणेश्वर से एक अलग तरह का कनेक्शन रहा है, एक अनूठा रिश्ता रहा है, और इस रिश्ते को कैसे फिर से कमबैक किया। इसीलिए आपका वो बिल्कुल सही है बात कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं पुल बनेगा तब भी आऊँगा और पुल बनने से पहले भी मैं आऊँगा और आदिवासियों के जो सबसे बड़े महाकुंभ में यहाँ पर हिस्सा लूँगा। और आज का दिन बहुत खास है, आज बुद्ध पूर्णिमा है और मावजी महाराज की धरती बेणेश्वर की धरती। श्वेता, क्योंकि हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं लगातार, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि वहां सभा को उन्होंने संबोधित भी किया, ऐसे में किसी तरह बॉडी लैंग्वेज में कोई अंतर नजर आया ये चिंतन शिविर के बाद? चाहते तो एक प्रदेश का पूरा का पूरा, कई प्रदेशों का देखिए मेघा, बॉडी लैंग्वेज तो राहुल गांधी की हमेशा से पॉजिटिव रही है।
क्योंकि वो दूसरों को मोटिवेट करते हैं। अभी अगर कभी हम ये देखें कि हार का भी सामना करना पड़ा कई राज्यों में चुनाव के बाद भी, तो भी जब उनके स्पीच होती थी तो वो भी पॉजिटिव कि हम ठीक है हार गए लेकिन यहाँ पर कोई लड़ाई खत्म नहीं हो जाती है, आगे के भी हम मजबूती के साथ डटेंगे। और इसके बाद इस 3 दिन के चिंतन शिविर को एक तरह से बूस्टर डोज की तरह देखा जा सकता है कांग्रेस के लिए, संजीवनी की तरह देखा जा सकता है, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत थी एक मंच पर सभी दिग्गजों का आना, नाराजगी हो जो भी विचार रखते हैं उसे यहाँ पर सामने व्यक्त करना, उसके बाद उनके आधार पर यहाँ पर कई अहम फैसले लिए जाना और उसे भविष्य में इंप्लीमेंट करना, ये बेहद यहाँ पर अहम है। चलिए इसी पर और योगेश जी से बात करते हैं। योगेश जी, राहुल गांधी भले ही चुनाव में हार का सामना करना पड़ा हो, भले ही कई बार विरोध में भी कई दिग्गज आ जाते बयान, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज में खास फर्क नहीं पड़ता, और 3 दिन के चिंतन शिविर के बाद आज की भी बॉडी लैंग्वेज यही कह रहे हैं। देखिए आज बहुत ही ओजस्वी लग रहे थे वो, बोलने में भी उनका जो स्पीच था वो अलग तरह का था, ये कनेक्ट करना चाह रहे थे वो इस धरा की जनता को, आदिवासी अंचल की जनता को। थोड़ा सा मौसम आज काफ़ी तेज़ गर्मी है, इसका भी असर यहाँ रहा है, लेकिन इसके बावजूद ख़ास तौर से उन्होंने, आपने देखा होगा जब प्रोजेक्टर पर पूरा पुल के निर्माण की झांकी बताई जा रही थी कैसे उसका रोड मैप होगा, उसमें पूरी तरह उनका इंटरेस्ट रहा, उन्होंने उसको सुना, और ये कहा जा सकता है कि इस पूरे संक्षिप्त यात्रा में उन्होंने बहुत गहराई से यहाँ से और गांधी परिवार के कनेक्शन को महसूस किया, और ये जो दूरियाँ पैदा हुई है कांग्रेस और वनवासी लोगों के बीच में, इसको भी शायद मेरे को लगता है उन्होंने। एक और सवाल उठता है, हमने बात की यहाँ पर बेड़ेश्वर धाम में दर्शन भी किए, उन्होंने अपनी बात भी रखी, लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर बात करें, वागड़ को साधना कांग्रेस ने कभी आसान नहीं रहा है, और इसलिए मुख्यमंत्री ने भी संबोधन में कहा कि यहाँ से जुड़ाव हमेशा तक कोशिश करते हैं कि आदिवासियों का विकास होता रहे, और हमें अब तक जो आशीर्वाद नहीं मिला हम उम्मीद करते हैं 23 में हमें जनता का यहाँ का आशीर्वाद मिलेगा। कितना मुश्किल कांग्रेस के लिए, या क्या आपको लगता है जो रोड मैप बना रहे हैं 2023 के लिहाज से यहाँ से आशीर्वाद जनता का मिले? कई बातें श्वेता, कई डिमांड्स हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई। आज मैंने वागड़ को रेल कनेक्टिविटी की बड़ी उम्मीद है जो आज तक पूरी नहीं हुई, कांग्रेस राज में प्रयास हुए, बीजेपी राज में प्रयास हुए, लेकिन आज भी डूंगरपुर मांसवाड़ा को लेकर, रेल के निर्माण को लेकर कई तरह की दिक्कतें हैं, और जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि बड़ा सपना है। गोविंद गुरु की धरती की बात की, गोविंद गुरु के 10 करोड़ का जो पैनोरमा बनना उसकी बात की, और ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल सही आपने फरमाया कि पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी, ख़ास तौर से मैं जिक्र करना चाहूँगा वनवासी कल्याण परिषद जो RSS की बड़ी विंग है, जो बीते कई सालों से इस इलाके में आदिवासी अंचल में काम कर रही है, मिशनरीज के खिलाफ उनका काम रहा, उन्होंने एक माहौल पैदा किया यहाँ पर और जड़े जमाई, उसका फायदा फिर आगे जाके कमल को मिला, बीजेपी के सांसद बने, बीजेपी के विधायक बने, और अब पिछले कुछ समय में भारतीय ट्राइबल पार्टी का जन्म हुआ, ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक जीते, वो भी कांग्रेस को नुकसान पहुँचाने का काम किया, और अब भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा एक नई गूंज यहाँ सुनाई दे रही है। और क्योंकि ये जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, इनसे इतर अब कांग्रेस चाहती है कि वागड़ इलाके में एक बार फिर से मजबूती सामने आए, मजबूती बनाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्वेता, हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। एक